थर्ड ऑफ सेट डी ऑफ इंटरनल वन इज गिव द आउटपुट ऑफ गॉसडेल एल्गोरिथम फॉर द गिवन मैट्रिक्स. लेट्स सॉल्व दिस. देयर इज अ मैट्रिक्स एंड वी हैव टू सॉल्व दिस बाय गॉसडेल. सो फर्स्टली वी राइट दिस मैट्रिक्स एज इन इक्वेशन फॉर्म. टेन ए माइनस सेवन बी प्लस थ्री सी प्लस फाइव डी इक्वल टू सिक्स. माइनस सिक्स ए प्लस एट बी माइनस सी माइनस फोर डी इक्वल टू फाइव. थ्री ए प्लस बी प्लस फोर सी प्लस इलेवन डी इक्वल टू टू. फाइव ए माइनस नाइन बी माइनस टू सी प्लस फोर डी इक्वल टू सेवन. अब हम इन इक्वेशन से इनको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जैसे कि ए ऑफ के प्लस वन जिसे हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. वन अपॉन में टेन सिक्स प्लस सेवन बी ऑफ के माइनस थ्री सी ऑफ के माइनस फाइव डी ऑफ के. सो ये क्या करा है हमने, बस ए को यहाँ रख के बाकी सबको वहाँ भेज दिया है. इससे हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, ए के नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू मिल जाएगी. सिमिलरली हम बी ऑफ के प्लस वन के लिए रख सकते हैं जो कि होगा वन बाय एट फाइव प्लस सिक्स ए ऑफ के प्लस वन माइनस बी सॉरी प्लस सी ऑफ के प्लस फोर डी ऑफ के. इसमें भी हमने बी को एक इस साइड रखा है, बाकी सबको वहाँ भेज दिया है. नाउ हम लिखेंगे सी ऑफ के प्लस वन इक्वल टू वन बाय फोर टू माइनस थ्री ए ऑफ के प्लस वन माइनस बी ऑफ के प्लस वन माइनस इलेवन डी ऑफ के. उसके बाद हम डी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे जो कि होगी वन बाय फोर सेवन माइनस फाइव ए ऑफ के प्लस वन प्लस नाइन बी ऑफ के प्लस वन प्लस टू सी ऑफ के प्लस वन. यहाँ पर हमने के प्लस वन इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर बी की वैल्यू मिल चुकी होगी, इसलिए हम बी की करेंट वैल्यू रखेंगे ना कि प्रीवियस वैल्यू. सो फर्स्टली हम यहाँ पर इनिशियल गैस लेंगे और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी चारों की वैल्यू ज़ीरो 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 मान के चलेंगे. इससे हमें ए ऑफ के प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी. ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रहेगा. इसके बाद ए ऑफ के प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी हमें वन बाय टेन सिक्स प्लस सेवन ऑफ ज़ीरो माइनस थ्री ऑफ ज़ीरो माइनस फाइव ऑफ ज़ीरो और ये हमें देगा वैल्यू 0.6. अब बी ऑफ के प्लस वन निकालने के लिए हम ए की करेंट वैल्यू रखेंगे 0.6 जो कि होगी 1 बाय 8 5 प्लस 6 0.6. ये हमने करेंट वैल्यू रखी है, बाकी सी और डी की वैल्यू अभी ज़ीरो चल रही है. सो बी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू मिल जाएगी 1.075. अब हम सी ऑफ के प्लस वन निकालेंगे जो कि होगा 1/4 2 माइनस 3. यहाँ पर हम ए की करेंट वैल्यू रखेंगे 0.6 माइनस बी की करेंट वैल्यू रखेंगे 1.075 माइनस डी की करेंट वैल्यू जो कि ज़ीरो चल रही है. तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.2188. दिस इज माइनस 0.2188. देन डी ऑफ के प्लस वन निकालेंगे जो कि होगा 1/4 7 माइनस 5 0.6 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 1.075 प्लस 2 माइनस 0.2188 और इससे हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी 3.3094. तो हमने यहाँ पर देखा कि हम हर बार करंट वैल्यू को ले रहे हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने
ए की करंट वैल्यू को लिया, बी की करंट वैल्यू को लिया, सी की करंट वैल्यू को लिया। यहाँ पर भी हमने ए की करंट वैल्यू को लिया, बी की करंट वैल्यू को लिया और डी की जो ओल्ड वैल्यू थी जीरो वही की वही रहने दी। सो यहाँ पर हमें गॉस सीडल में करंट वैल्यू को लेना होता है हमेशा। देन सिमिलरली फॉर सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हमें ए की वैल्यू ये रहेगी, बी की वैल्यू ये रहेगी, सी की वैल्यू रहेगी, डी की वैल्यू रहेगी और ऐसे हम वैल्यूज निकालते जाएंगे। और सो कुछ अप्रोक्सीमेशन करने के बाद एंड कैलकुलेशन करने के बाद हमें ए की वैल्यू मिलती है 5, बी की वैल्यू मिलती है 4, सी की वैल्यू मिलती है -7 एंड डी की मिलती है वैल्यू मिलती है 1। ये सब अप्रोक्सीमेशन्स वैल्यू है जो कि हमने राउंड ऑफ करके लिए और एल्गोरिथम से और प्रोग्राम से हमें मिली है। सो थैंक यू।